गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ। देखिए आपकी एक्सरसाइज है आपकी थ्री एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाए, यानी आपको इनमें जोड़ना है और घटाना है। तो देखिए आपकी पहली एक्सरसाइज है थ्री की है, फिलिंदा ब्लैंक समझिए खाली जगह भरनी है। तो देखिए आप जानती हैं फोर में अगर हम सेवन जोड़ेंगे तो इलेवन होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए इसमें फोर और सेवन को हमने इलेवन किया तो फोर्टी और सेवेंटी, यानी एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, फोर को फोर्टी किया सेवन को सेवेंटी, तो फोर्टी और सेवेंटी को जोड़ेंगे तो वन हंड्रेड टेन। इसी प्रकार देखिए टू और एट को जोड़ेंगे तो टेन होता है। इसी प्रकार देखिए एट का एट्टी कर दिया तो टू का ट्वेंटी कर देंगे हम, तो ट्वेंटी और एट्टी हंड्रेड होती हैं। इस प्रकार देखिए सिक्स और थ्री आपके नाइन होती हैं, तो सिक्स का सिक्सटी कर दिया, थ्री का थर्टी, तो सिक्सटी और थर्टी, देखिए नाइन का क्या हो जाएगा फिर नाइन्टी, नाइन्टी हो जाएगा। इस प्रकार आप भर लोगे। नेक्स्ट है देखिए, जैसे इसी से है फोर और सेवन जोड़ा इलेवन, फोर का फोर्टी किया और सेवन का सेवेंटी, तो वन हंड्रेड टेन हो गया। इसी प्रकार फोर का हम फोर हंड्रेड कर देंगे और सेवन का सेवन हंड्रेड किया तो ये इलेवन हंड्रेड हो गए, ठीक है। इस प्रकार टू का ट्वेंटी और फिर टू हंड्रेड, ऐसे ही एट का एट्टी, तो यहाँ पे एट हंड्रेड हो जाएगा, क्योंकि एट हंड्रेड और टू हंड्रेड आपके वन थाउजेंड होते हैं। इस प्रकार देखिए सिक्स का सिक्सटी और यहाँ पे सिक्स हंड्रेड हो जाएगा, और थ्री हंड्रेड नाइन हंड्रेड होती हैं। इस प्रकार आप इनको भर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द सम, सम यानी इनको जोड़ना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग जो नंबर दे रखे हैं यूजिंग मेंटल मैथ, मेंटल मैथ यानी जो जो हमने भरे हैं ना इस प्रकार यूज करके। देखिए जैसे आपका पहला है फोर्टी और फिफ्टी, तो देखिए आप पहले इसको इसको तो फोर लिखिए, थिंक सोच लो, अब यहाँ पे लिखोगे थिंक, सोच लिया हमने कि फोर्टी को फोर लिख लो आप और फिफ्टी को फाइव, तो देखिए दोनों का आंसर नाइन आता है। और ये फोर्टी है तो इसको लिख देंगे हम फोर टेंस, फोर्टी का मतलब फोर टेंस, प्लस फिफ्टी का मतलब होता है फाइव टेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा देखिए नाइन टेंस आएगा। फिर तो फोर्टी और फिफ्टी को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा नाइन्टी आएगा। इस प्रकार आपको ये लिखना है। देखिए फोर्टी और फिफ्टी था तो आप सोच लो इसको, ये फोर्टी को फोर सोच लिया हमने, फिफ्टी को फाइव, तो फाइव और फोर नाइन होती हैं। अब देखिए फोर्टी को हम फोर टेंस बोलती हैं और फिफ्टी को फाइव टेंस, तो दोनों को मिला के नाइन टेंस होता है। तो फोर टेंस यानी फोर्टी और फिफ्टी को फिर नाइन टेंस को मतलब नाइन्टी, तो फोर्टी और फिफ्टी को जोड़ के नाइन्टी आ जाएगा। इस प्रकार एक और देख लीजिए, जैसे आप एट हंड्रेड प्लस हंड्रेड, ये आपका सी वाला है, ये आपका ए था। देखिए इसको क्या करेंगे हम, आप मान लीजिए इसको थिंक कर लो, सोच लो, एट हंड्रेड को आप एट मान लो और वन हंड्रेड को वन, तो देखिए एट और वन नाइन होता है, तो ये एट हंड्रेड था तो आप यहाँ लिखेंगे एट हंड्रेड्स, ये हमारा टेंस में थी तो टेंस लिखा हमने, ये हंड्रेड में तो एट हंड्रेड्स प्लस वन हंड्रेड बराबर नाइन हंड्रेड्स। इस प्रकार आप लिख लोगे नाइन हंड्रेड्स, तो एट हंड्रेड्स यानी एट हंड्रेड और ये वन हंड्रेड, तो जिनको मिला के आपका नौ सौ यानी नाइन हंड्रेड हो जाएगा। इस प्रकार आपको मेंटल मैथ यूज करनी है। नेक्स्ट है देखिए, जैसे थाउजेंड वाला देख लो, सेवन थाउजेंड टू थाउजेंड आपका ई वाला है, सेवन थाउजेंड और प्लस टू थाउजेंड, ठीक है। तो देखिए थिंक कर लो, सोच लो आप कि सेवन थाउजेंड को सेवन मान लीजिए, टू थाउजेंड को टू, तो आंसर नाइन आएगा, सेवन और टू नाइन, तो ये थाउजेंड में थे तो सेवन, अब थाउजेंड्स लिख लो यहाँ पे, थाउजेंड्स थाउजेंड्स प्लस टू को लिख लो टू थाउजेंड्स, टू थाउजेंड्स, तो आंसर आएगा हमारा देखिए नाइन थाउजेंड्स, नाइन थाउजेंड्स। तो देखिए सेवन थाउजेंड को लिख लो सेवन जीरो जीरो, टू थाउजेंड को टू जीरो जीरो जीरो, तो देखिए सेवन थाउजेंड और टू थाउजेंड कितना हो जाएगा आपका नाइन थाउजेंड हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये मेंटल मैथ यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर आपको टू तक यहाँ पे सॉल्व करनी है जी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, एक टॉय कॉस्ट है,
एक खिलौने की कॉस्ट इतनी है आपकी 180 रुपये, एंड ऑफ द दूसरे एक खिलौने की कॉस्ट आपकी 220 है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बोथ टॉयज, दोनों टॉयज़ों की कीमत कितनी होगी। तो आपको इन दोनों में इसको ऐड करना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है, क्योंकि देखिए पहले खिलौनों की कॉस्ट इतनी है, दूसरी की इतनी, टोटल पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट है देखिए, एक फ्लोरिस्ट है, फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला, उसे 3500 मैरीगोल्ड, यानी जो मैरीगोल्ड के फूल होते हैं, तो उसको 3500 चाहिए, रोज के 4600, और ली चाहिए उसे 2800 टू डेकोरेट ए हॉल, एक हॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो हाउ मैनी फ्लावर्स डज ही नीड इन ऑल, उसे कितने फ्लावर्स, कितने फूल चाहिए इन सभी को मिलाकर। तो देखिए आपको इन सबको इसमें भी प्लस करना है, 3500 को, 4600 को, और 2800 को, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको फेयर में सॉल्व करने हैं।